क्योंकि आजकल इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में गुड टू सी यू का स्लोगन जो है ये छाया हुआ है और हर किसी को अपने अपने मतलब के मुताबिक उसको सेट करने में आसानी हो रही है। मैं सबसे पहले आप सब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रजा साहब, उनकी सारी टीम, क्योंकि ये मेरा घर है और ज़िंदगी के 22 साल जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर के उस जद्दोजहद के साथ जुड़ा जो मेरा सफ़र है उसमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी मेरा हम सफ़र रहा है। तो लिहाजा आज अपने घर में आके घर के मकीनों से मिल के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इंसानी खिदमत है, और ये गुज़श्ता कई दहाइयों से उस मकसद के हसूल के लिए जदोजहद जारी है। पीटीआई में मेरी जो शमूलियत थी वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने नए पाकिस्तान की तामीर तकमील और उसको आगे चलाने में अपना अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलानी है। और आपने देखा कि उस जिम्मेदारी को जो मुझे दी गई, खलूस नियत और पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। मकसद पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और अवामुन्नास की फलाह बहबूद थी। कौमी सलामती के हमारी जो कमेटी है उसके एक अहम रुकन की हैसियत से कौमी अदारों में हम आंगी पैदा करके कौमी बयानिए को फ़रोग दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अपने टेन्योर के अंदर जहाँ कौमी सलामती के इदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कर्ज कह लें, कैंसर कह लें, मर्ज कह लें, जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, उसके खिलाफ नबर्द आजमा थे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस में ही उन्हीं इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ मफाद परस्त, मौका परस्त अनासर वज़ीर आज़म की सोच को यरगमाल बनाकर उन कौमी सलामती के अदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मखसूस जहन की आबियारी कर रहे थे। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख की बात यह थी कि कौमी ख़जाने से अरबों रुपये खर्च करके नौजवानों के जहन साजी के ज़रिए अपने उन अदारों को जहरीले, मनफी, बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगंडे के ज़रिए बदनाम करने की एक हिकमत अमली और मुनज़्ज़म साजिश जो है वो बुरुए कार लाई जा रही थी। और आप गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरी सियासत का रोज़े अव्वल से एक ही स्लोगन रहा है कि सियासत नहीं, रियासत जो है सबसे अहम है और पाकिस्तान सबसे पहले है। और पाकिस्तानी होते हुए, क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं सियासत में ना रोज़गार के लिए आई थी, ना यहाँ कारोबार के लिए आई थी और ना अपनी ज़ात के लिए आई थी। मैं काज के लिए आई थी और काज जो है मेरी वो नेशनल काज, वो पब्लिक काज, जो मेरी ज़ात से ज़्यादा सुप्रीम है। और उसी काज को सुप्रीम रखने के लिए उस वक्त भी पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद की, उस सोच को,
उस जहन को, उस मखसूस माइंड सेट को चैलेंज करती रही। और आपने देखा कि आखिर में मैं उस यरगमाली टोले और उस मखसूस जो एक सरपरस्ती करने वाले कुछ ऐसे नासर जो आज इधर ही बैठ बैठ के आपको कह कह के जा रहे हैं कि हम सियासत से ला तअल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कोई ट्वीट करके कर रहे हैं, कोई आके कर रहे हैं, हमने यहाँ सियासत भी करनी है और पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़ भी करना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। तो साथियों, ये एक तकलीफ ते हकीकत है कि जिस जहन साजी और मनफी माइंड सेट की आप बयारी करते करते 9 मई का जो सानिया पूरी कौम ने देखा, ये उसी सियासी हिकमत अमली की कार